हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। कभी आपके भी साथ अगर मेरी जैसी सिचुएशन आ जाए, आप देखिए मेरी सिचुएशन यहां पर क्या है। यहां पर मैं ये चाहता हूं कि हमें सिर्फ नंबर ही एक्सट्रैक्ट करने हैं, तो उसके कई तरीके हो सकते हैं। आप शायद सोचें कि इसमें अगर नंबर एक्सट्रैक्ट करना है तो एक एक करके यहाँ से कॉपी कीजिए, फिर यहाँ पेस्ट कीजिए, ये तो काम आप कर सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। कोई तरीका ऐसा शॉर्टकट, तो एक तरीका तो और है कि आप सोचेंगे इज इक्वल टू करके इसको सेलेक्ट किया, मल्टीप्लाई बाई वन कर देंगे और एंटर कर देंगे, तो यहाँ पर नंबर एक्सट्रैक्ट हो चुका है, देख सकते हैं। और यहाँ पर जब इसको ड्रैग कराएंगे तो देखेंगे यहाँ पर हैश वैल्यू एरर मिलेगा, ये चीज़ नहीं चाहिए हमें, तो फिर क्या कर सकते हैं। इसका एक और समाधान मैं बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे करना क्या है, आपको इज इक्वल टू लगाना है और इसको सेलेक्ट कर लेना है। ये जो है ना, इसको सेलेक्ट करने के पहले इफ एरर का फॉर्मूला लगाइए, इफ एरर, ठीक है, ये इफ एरर हो गया। और इसको सेलेक्ट करके मल्टीप्लाई बाय वन कर दीजिए और कॉमा दे करके डबल कॉमा में यहाँ पे स्पेस दे दीजिए, ठीक है। स्पेस का मतलब कुछ भी नहीं, यहाँ पे कुछ भी है ही नहीं, बस एंटर कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा। यहाँ पर जब इसको आप ड्रैग करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको सिर्फ नंबर ही एक्सट्रैक्ट करके मिलेंगे, ठीक है। ओके,